अगर नहीं आएगा तो बोलगा नहीं आएगा तो मैं अगर जाऊंगी तो मार के, और उनका आदमी होगा तो सादा कपड़े पहनाऊंगा औरतों का। परिष्कार कथा আমাদের কাছে আমরা শান্তি চাই, এই শান্তির মধ্যে মমতা বিনার জন্য আমাদের সন্দেশ করে আসুক, ওকে আমরা ভোট দেই, সেই আমাদের ক্ষতি করছে তার প্রতিনিধিরা। और ये जो जिस जमीन पर हम खड़े हैं, जहाँ पर उत्तम सरदार ने घर बना के यहाँ पे बहू बेटियों को बुलाता था, वो इनका इनकी जमीन है, वो ये जमीन इनकी है और ये खुद बताएंगे। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं पर जो अत्याचार हुआ वो किसी से छिपा नहीं है। संदेश खाली की घटना से पूरे देश में आक्रोश है, लोग पुलिस प्रशासन से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। वहीं राज्य की टीएमसी सरकार पर अपनी पार्टी के ही आरोपी कार्यकर्ताओं को बचाने के आरोप भी लग रहे हैं। इन अत्याचारियों ने सिर्फ महिलाओं पर ही जुल्म नहीं ढाए बल्कि किसानों के खेतों पर भी कब्जा कर लिया है। पाँच पाँच बीघे खेत है उसे ले लिया, हमारे मंदिर के लिए कुछ भी कुछ नहीं कर सकती है। तो क्या पैसे नहीं है तो कैसे करेंगे, हम लोग सारा ले लिया, यहाँ पे खेला होता तो बच्चे लोग खेलते थे सो भी ले लिया, हम कैसे खेला देंगे मंदिर की तरफ से। यहाँ पे तो धान चाश होता था, धान बहुत कुछ सब्जी वगैरह होता था, यहाँ नूना पानी उठा दिया, नूना पानी में तो कुछ भी नहीं होता है, किसे होता है नूना पानी में, वो तो नमक के जैसे होता है, उसमें कुछ होता है नमक अगर ढाल दिया मैंने तो कुछ होगा, कुछ भी होगा नहीं तो कैसे धान होगा कैसे सब्जी वगैरह होगा, और सारा पानी तुल दिया तो उसने, यार मछली एक भी कोई इसमें वो जो नाला जैसे है ना उसमें जाल फेंकने के भी नहीं देते, कहता है वो तो मैंने पानी उठाया तो मेरा वो मछली होगा ना, तो किसी के खाने के लिए नहीं, धान पकड़ने के लिए वो नहीं देते। और ये जो जमीन है वो इनकी है, इनकी है। ये बताइए बांग्ला के কি এই জায়গাটা আমাদের, আমরা ঘর করব বলে আমার ছেলে মাটি ভরাট করেছে, মাটি ভরাট করে ঘর করবে, ওরা গায়ের জল সব দখল করে নিয়েছে। উত্তম সব বল রা যে মাটি মেনে ফেকা, মেনে ঘর বাঁধনে কে লিয়ে ফেকা, উত্তম নে লে লিয়া পয়সা তক নেই দিয়া। ये बताइए कम से कम तीन साल हो गए हैं, इतनी बड़ी जमीन, इस जमीन पर ये घर बनाना चाहती थी, इनके बेटों ने इस पे मिट्टी रख डाली तो उसके बाद आकर के उत्तम सरदार ने इस पे कब्जा कर लिया और ये घर बना लिया, और रात के अंधेरे में मीटिंग के नाम पर इस गांव की महिलाओं बहन और बेटियों को मीटिंग के नाम पे यहाँ बुलाता था। अगर नहीं आएगा तो बोलगा नहीं आएगा तो मैं अगर जाऊंगी तो मार के, और उनका आदमी होगा तो सादा कपड़े पहनाऊंगा औरतों को। देखिए कितना कितनी बड़ी धमकी देता था किसी महिलाओं को बेटियों को बहुओं को कि अगर आप नहीं आए मीटिंग में चाहते है ना सादा कपड़े पहनने चाहते है ऐसे बात करते है। इस तरह की धमकी किसी ने नहीं सुनी होगी आज तक कि मीटिंग में आना चाहते हो या सफेद कपड़े पहनना चाहते हो, ये दहशत थी उसकी। लेकिन पूरा प्रशासन, पूरा जिला, पूरा पुलिस कान में तेल डालकर सोती रही और संदेश खाली में मां बहनों के साथ अत्याचार होता रहा। शेख शाहजहां, शिबू हाजरा और उत्तम सरदार मां बहनों की अस्मत के साथ खेलते रहे, लेकिन प्रशासन, पुलिस, यहां तक कि सरकार कान में तेल डालकर सोती रही। ये दुख, ये कष्ट निश्चित रूप से बताता है उसके पापों का शायद यही परिणाम होगा कि अंततः उसके घर को इस तरह से आग में जलाकर राख कर दिया गया। मैं आपको इस समय उत्तम सरदार के जो बदमाशी है, उसकी जो दादागिरी है, जो उसने लोगों को सताया, उसको दिखाना चाहता हूँ कि जो जितनी जमीन आप देख रहे हैं ये पूरी की पूरी, ये करीब 228 बीघा जमीन है, करीब करीब 228 बीघा जमीन है, और ये सारे जमीन पर उसने कब्जा कर लिया लोगों को। यहाँ पे जो अभी आप पोखर से ये देख रहे हैं, छोटे छोटे तालाब जैसे कुछ जो देख रहे हैं, यहाँ पहले धान की खेती होती थी। लोगों ने बताया यहाँ पर कि किस तरह से उसने धीरे धीरे लोगों के जमीन पर कब्जा किया उत्तम सरदार और शिव हाजरा ने, जिसका जिस पर जो है शेख शाहजहां का आशीर्वाद था, शेख शाहजहां के आशीर्वाद से, उसके वरद हस्त से शिव हाजरा और उत्तम सरदार ने इन जमीनों पर कब्जा कर लिया और जहाँ खेती होती थी वहाँ पे पोखर बना दिए। यहाँ तक आरोप है कि लोग जो खेती करते थे उनके खेती में वो नमकीन पानी डाल देता था ताकि फसल नष्ट हो जाए। ये अत्याचार और ये घिनौनी हरकत शिवू सर हाजरा और उत्तम सरदार ने यहाँ पर लोगों पर की है।
करीब करीब यहाँ के आसपास के जितने गांव हैं उन सभी गांवों के महिलाओं और बेटियों के ऊपर उन्होंने अत्याचार किए। जैसा कि उन्होंने बताया थोड़ी देर पहले कि जो सुंदर होती थी उनको रख लेता था, मीटिंग के नाम पे बुलाता था और जो सुंदर होती थी उन्हें वो रख लेता था, बाकियों को वापस भेजता था। क्योंकि यहाँ के पुरुष अधिकतर बाहर काम करने गए हुए हैं इसलिए महिलाओं को अकेला पाकर उसने इस तरह के कुकृत्य और यौनाचार किए, इस तरह के आरोप यहाँ की बहनों और माओं ने लगाया है। किसान दर दर भटकने को मजबूर है। किसान कहते हैं कि हमारे पूर्वज 100 सालों से भी अधिक समय से यहाँ पर रह रहे हैं लेकिन ऐसा अत्याचार और ऐसी घिनौनी राजनीति हमने कभी नहीं देखी। हम आदिवासी हैं, हम आज अपनी ही जमीन में मजदूर बन गए हैं, खाने के लाले पड़ गए हैं, क्या हमको कभी न्याय मिलेगा? आसमान की ओर हाथ जोड़ते हुए लोग रो पड़ते हैं। संदेश खाली नतून पाड़ा के बुजुर्ग बहादुर कहते हैं कि राजनीतिक रसूख, पुलिस और प्रशासन के गठजोड़ ने हमको भीख मांगने पर मजबूर कर दिया है, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। किसानों का आरोप है कि कृषि योग्य भूमि छीन कर तालाब बना दिए गए। राजनीतिक ताकत, रसूख का तांड और घमंड देखिए। कहते हैं जहाँ जाना हो चले जाओ, ज्यादा कुछ किया तो गांव से निकाल कर बाहर भेज देंगे, उनकी राजनीतिक पहुंच है। आरोप है कि पूरे क्षेत्र में कोई दूसरा व्यक्ति मछली का व्यापार नहीं कर सकता, अगर कोई करता भी है तो उसे शेख शाहजहां की शरण में जाना होगा। किसानों ने दावा किया है कि इस तरह से तीनों दिनों दिन अरबपति और खरबपति बनते गए और आदिवासी छोटे और मझले किसान दिन ब दिन मजदूरी करने पर विवश होते चले गए। इस मामले में पुलिस ने भले ही दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है जिनमें उत्तम सरदार और शिबू हाजरा का नाम है, लेकिन अभी भी यहाँ के लोगों को, महिलाओं को इंसाफ का इंतजार है। और लोग कहते हैं कि यहाँ पुलिस या प्रशासन का मतलब होता है शेख शाहजहां। लोग कहते हैं कि हम आदिवासी हैं, हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई, परेशान होकर हमने आंदोलन का रास्ता अपनाया। संदेश खाली 7 नंबर नतून पाड़ा के किसान हरिपत सरदार बताते हैं यहाँ पुलिस या फिर प्रशासन कुछ नहीं सुनती, यहाँ का सब कुछ है शेख शाहजहां, वह जो बोलेगा वही होगा। जब भी हम पुलिस और प्रशासन के पास जाते हैं वे हमें शेख शाहजहां, उत्तम सरदार और शिबू हाजरा के पास जाने की सलाह देते हैं। अब भले ही TMC की सरकार ने भारी दबाव के बीच उत्तम सरदार और शिबू हाजरा को गिरफ्तार कर लिया हो लेकिन अभी भी जिसका अहम किरदार है, जो मुख्य आरोपी है जिसका नाम है शेख शाहजहां, उसकी गिरफ्तारी का इंतजार है। अब संदेश खाली के लोगों को केवल भगवान पर विश्वास है कि शायद भगवान ही उनका न्याय करेगा और भगवान ही उन्हें न्याय दिलाएगा। मैं एन अर्जुन, amarujala.com के लिए, संदेश खाली, उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।